शीला के रसोई में आप लोगों को स्वागत है। आज चलिए एक नया रेसिपी लेकर के आए हैं फिर शीला के रसोई में, और गुल्लर के सब्जी बनाते हैं और टेस्टी सब्जी बनाने जा रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए हम गुल्लर के सब्जी बनाते हैं। देखिए यही गुल्लर है, इसको 4-5 पानी से पहले लाए बाजार से तो साफ कर लिए, उसके बाद इसको कटिंग कर दिए। कटिंग करके अंदर से इसका चक्कू के सहारा से सारा का बीज निकाल दिए अंदर का। उसके बाद अभी कुकर में डाल दिए हैं, हजार एक सीटी लगा देते हैं, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। देखिए उबल गया तो किस तरह से लग रहा है। देखिए कुकर में से निकाले हैं तो कैसा लग रहा है। अब जाते हैं फ्राई करने। तेल गर्म हो गया है, इसको इसमें डाल दें। थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था कढ़ाई, इसीलिए धुआं ज़्यादा निकल गई। ऐसे धीरे धीरे इसको फ्राई करना है। देखिए इसको हम लोग गुल्लर को देखिए इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। कुकर में ही आज सब्जी बनाएंगे, गैस बंद है। अब इधर जो है हम चले, कुकर गर्म हो गया, कुकर गर्म है, उसमें थोड़ा 2-3 चम्मच तेल डाल देते हैं, क्योंकि तेल तो पड़ेगा मसाला जो फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म है, और देखिए दालचीनी है दो, जीरा उसको डाल दिया, 4-5 मिर्चा लाल डाल दिया। आप तो दिख नहीं रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। देखिए कुकर थोड़ा मेरा बड़ा हो जाता है, लंबा, इसलिए मोबाइल मेरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। देखिए जल गया। अब प्याज डाल रहे हैं, प्याज है 3 ठो बड़ा बड़ा था, वो कटिंग कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स करना। प्याज जो है हल्का सा भुना गया है। देखिए अब इसमें मसाला सब ऐड करते हैं। ये लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच डाल दिए। धनिया का पाउडर है 2 चम्मच, हल्दी का चम्मच 1.5 चम्मच है, और ये लाल मिर्चा का पाउडर है 2 चम्मच डाल दिए। गरम मसाला, सब मसाला एक ही बार ऐड कर देते हैं, और ये काला मिर्च का पाउडर है। ये सब्जी मसालेदार बन रहा है। ये नमक जो है वो स्वाद अनुसार डालिए, और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मसाला को सब जो अच्छी तरह से मिक्स किए तो देखिए ऐसे मसाला तैयार हो रहा है। कोशिश करते हैं कि कुकर के अंदर का दिखाएं, लेकिन दिख नहीं रहा। चलिए इसी तरह से समझ लीजिएगा, धीरे धीरे तो पक ही जाएगा सब्जी। देखिए मसाला जो है कितना अच्छा से भून लिए है मसाला को। उसके बाद अभी 2 मिनट जो है और भुजाएगा। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसको डाल देते हैं इस तरह से। देखिए फ्राई होने के बाद इस तरह से लग रहा है सब्जी। अब हल्का सा पानी दे करके एक सीटी लगा देंगे, आपका गुल्लर का सब्जी तैयार। बहुत मेहनत पड़ता है इस सब्जी में, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर आप लोग करिएगा, क्योंकि नया सब्जी है। इसलिए जो 1 कटोरा जो है पानी देना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में सब्जी। ऐसे सावन भादव का महीना है, मीट मछली का नाम भी नहीं लेना है, लेकिन मीट की तरह ही सब्जी लगता है खाने में। देखिए अब जाते हैं कुकर को बंद कर देते हैं, एक सीटी लगा देते हैं।